अब हम आ गए दहीसर मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे टिकट काउंटर है, और वहाँ से सेकंड फ्लोर पे मेट्रो है। मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ से हम लोग जाएंगे अंधेरी। फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँच रहा हूँ। ओके, और ये अपनी जो लिफ्ट है, हाँ ये लिफ्ट का रास्ता है, यहाँ से हम लोग लिफ्ट में बैठ गए मेट्रो स्टेशन जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। यस, यहाँ से हम लोग टिकट कलेक्ट करेंगे। ओके, वापस सेकंड फ्लोर पे जाके मेट्रो। ओके, यहाँ पर ये हाईवे है जो अहमदाबाद की तरफ जाते हैं। सो यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट के तरफ जाते हैं तो गुजरात साइड आता है। ये अहमदाबाद साइड का है, और यहाँ जाएंगे तरफ जाते हैं तो चर्च गेट आ जाता है। या परफेक्ट। ओके, तो ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे टिकट मिलती है मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हाईवे पर बहुत ट्रैफिक होता है, और मुंबई का ट्रैफिक तो भाई क्या ही बोलने का, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये ट्रैफिक से बचने के लिए अभी मेट्रो की सुविधा जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो इस मेट्रो की वजह से अपना बहुत टाइम भी बच जाएगा, और ट्रैफिक में भी हमें ज़्यादा हालांकि नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आएंगे हम टिकट विंडो तक। नहीं, अरे मेरा तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा ना, वरना वीडियो कैसे उतारोगे। थोड़ी डीसी आने वाला है। तो आपको कहाँ तक की टिकट लेनी है, कितना कहाँ तक का ले रहे हो टिकट? गोरेगांव रिटर्न गोरेगांव ईस्ट। अच्छा, गोरेगांव ईस्ट रिटर्न दहीसर से गोरेगांव। हाँ, दो टिकट। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेट्रो के जो स्टाफ है, मेट्रो के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और काफ़ी हेल्पफुल है। गाइड भी करते हैं फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स को कि कौन से प्लेटफॉर्म से टिकट लेनी है, कैसे जाना है, काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो अब सिक्योरिटी चेक में, अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही लेटेस्ट सुविधा है, तो ये पेपर टिकट्स दी गई है यहाँ पे। ये पेपर टिकट को स्कैन करना होता है इस गेट पर, तब जाकर एंट्री मिलती है प्लेटफॉर्म के लिए। ऐसा, हाँ बढ़िया। अब मेरी बारी है, तो मैं अभी मेरी टिकट को स्कैन कर देता हूँ। स्कैन होकर ये ओपन हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए। अब ये है फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर टिकट्स मिल चुकी है हमको। प्लेटफॉर्म अपना वो साइड है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न वगैरह है उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है, बिकॉज कि क्या है कि ग्राउंड फ्लोर से जो टिकट काउंटर है वहाँ पर आने के लिए ये है लिफ्ट, और उसके बाद एस्केलेटर है। तो फर्स्ट फ्लोर से आपने अगर एक बार टिकट ले ली, ठीक है, तो बाद में एस्केलेटर लेकर आप प्लेटफॉर्म लेवल पर सेकेंड फ्लोर पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको मेट्रो दिख जाएगी। हैंड रेलिंग पकड़ लीजिए सेफ्टी के लिए।
एंड वेलकम टू मुंबई मेट्रो दहिसर स्टेशन। सो आज हम लोग की जो सवारी है वो गोरेगांव तक रहेगी, तो दहिसर ईस्ट से स्टार्ट होगी और ये जाएगी गोरेगांव तक, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न आ जाएंगे वापस दहिसर तक। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना इजी है मेट्रो में ट्रैवल करना, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर दिया है, इंडिकेटर पे आपको दिखाई दे कि अगली जो गाड़ी है वो 7 मिनट में आने वाली है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब ये लिखा है गुंडवली, गुंडवली मतलब कि अंधेरी साइड, तो दहिसर से हमको जाना है गोरेगांव, गोरेगांव के बाद आएगा अंधेरी गुंडवली, लेकिन हमको गोरेगांव ही उतरना है। तो ये आपको लास्ट जो उसका स्टॉप है वो दिखा रहा है, डेस्टिनेशन गंतव्य, और उसके बाद 6 मिनट में गाड़ी आने वाली है ये भी आपको इंडिकेटर पे दिखा रहे हैं। सो अगर आप देख पाओगे काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, आधुनिक तकनीक से बनाए हुए स्टेशन है और सारी जो फैसिलिटी है वो मतलब बोले तो लेटेस्ट जो फॉरेन में रहती है सेम वैसी इंडिया में लाने का प्रयत्न किया है, और काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया है। टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उनको टैक्स पेयर की अच्छी फैसिलिटी सुख सुविधा के लिए यूज़ करने में आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी प्रशंसा करनी चाहिए हमें इसकी। जो आप देख पा रहे हो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसी का ही भाड़ा है 5 रुपये। इसमें टीसी आने वाला है क्या? नहीं यार, इसमें टीसी नहीं आते, मेरे पास एक ही टिकट है, बाद में बोलना मत। अरे दूसरी टिकट मेरी है तो सही आपके पास। नहीं, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है, एक ही टिकट लिया मैंने, तेरा टिकट तो लिया ही नहीं। अरे मेरा टिकट नहीं लिया तो मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे लोग पकड़ के बैठा देंगे। टीसी आने वाला है क्या? हाँ, टीसी नहीं आते। दहिसर की वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स है ये एन रोज, नॉर्दर्न हाइट्स, नॉर्दर्न हिल्स जो बन रही है। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज तक तो मैं विरार की सब ट्रेन में बैठा हूँ, विरार से चर्चगेट तक, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में बैठा हूँ। मेट्रो में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, गाड़ी एकदम खाली है, ना कोई लटकने वाला, ना कोई धक्का धुक्की मारने वाला है, तो बहुत ही अच्छा इसमें फील हो रहा है मुझे। ये आ गया है स्टेशन औरी पड़ा, तो ये दहिसर के बाद वाला स्टेशन है औरी पड़ा। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है कि आप लोग नेक्स्ट स्टेशन जो है आ रहा है उसको आप देख सकते हो, और आपको आपका जो अंतिम स्टेशन है वो भी दिख जाएगा। तो जैसे कि डोर्स जो है अपने आप ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये फर्स्ट स्टेशन आ गया है औरी पड़ा,
दहीसर से हम लोग जो बैठे हैं, दहीसर के बाद जो है औरिकाणा फर्स्ट स्टेशन है, इसके बाद आएगा नेशनल पार्क। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेट्रो के अंदर से क्या बेहतरीन नज़ारा है यार, मतलब क्या ही बताओ। देखो ये हाईवे जो है ना, एक टाइम पर पूरा जाम रहता था, ठीक है, मतलब मुंबई का ट्रैफिक बोले तो ख़त्म। और अब देखिए आगे हमारे प्रकाश भाव दरेकर की ऑफिस, और अभी देख लीजिए पूरा हाईवे खाली है, ये मेट्रो की देन है, वरना पूरा हाईवे जाम रहता था। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सुविधा करके दी है, और पूरा एसी गाड़ी है, और गाड़ी भी पूरा खाली है, बैठने की अच्छी सुविधा है। इसके बाद का स्टेशन आएगा नेशनल पार्क। अभी आएगा संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली, बोरीवली ईस्ट। तो ये अब जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क आने वाला है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो फुल्ली एयर कंडीशनर गाड़ी है, आधुनिक तकनीक से बनाए गए स्टेशन है, डोर सिस्टम है, अपने आप ओपन होता है, तो थोड़ा सा हम लोग ट्रेन के जो डोर है उससे हट जाते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो डोर है ओपन हो जाएंगे अभी। सो जो मुंबई का सबसे रिस्की सीन था पहले कि लोकल ट्रेन में लोगों को लटकना पड़ता था, अब वो यहाँ पे नहीं हो सकता, बिकॉज डोर जो है अपने आप ओपन और क्लोज हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। कितना लिया है? तीन लिया। और आदमी कितने हैं? आदमी कितने हैं? जी आदमी तो तीन ही है। टिकट कितना लिया है? तीन लिए। अच्छा तीन टिकट लिया है ना। हाँ तो ठीक है। और आपको कोई डायलॉग बोलना है, जैसे कि संजय दत्त साहब का कोई डायलॉग फेमस? ये देख 50 तोला 50 तोला। लेकिन इनका देखो ये 50 तोले का, ये देखो नकली पहनते हैं। देखो ये तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हो अभी? दहीसर से आ रहे हो। और आपका जो आई थिंक सो फेयरवेल है राइट, स्कूल का या कॉलेज का? स्कूल का फेयरवेल। कौन सा स्कूल है? शैलेंद्र दहीसर का स्कूल है, मस्त स्कूल है वो। आपका क्या नाम है? फैजान। आपका? आयान। और आपका? रिहान। फैजान, आयान, रिहान। तो हम लोग ने तीन नए दोस्त बनाए। और कौन सा स्टेशन आएगा अब जो है? देवीपाड़ा है। तो आप लोग जरूर से हमारे YouTube चैनल को देखिएगा, YouTube चैनल का नाम है बिखू भाई सागर। आप लोग को भी हम लोग व्लॉग में एंटर करेंगे। आपको चलेगा व्लॉग में आना है? आप लोगों को आपको आना है, आपको भी आना है। तो एक बार आप जल्दी से सर्च करके YouTube पे देख लीजिए बिखू भाई सागर की चैनल। अच्छा तो किसी भी फोन में अगर आप देख पाओ तो आप देख सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको आई थिंक बिखू भाई सागर ही दिखा देंगे आपके अपनी YouTube चैनल, जरा एक बार दिखा दीजिए। नाम याद नहीं आ रहा है आपको तो खाली इतना याद रखना, बिखू मात्रे, मुंबई का दादा। कौन? और कौन सा पिक्चर था? सत्या। तो जरा आप पटक से एक बार अपने तीन नए सब्सक्राइबर देख लीजिए जो है यहाँ पे। बिखू भाई सागर BHIKHU BHAI बिखू भाई सागर SAGAR। आप जल्दी से एक बार दिखा दीजिए YouTube चैनल का जो नाम है वो। और बाय द वे तब तक आप लोग नजारा लीजिए व्यूवर्स। एक नंबर देखिए ये चैनल है बिखू भाई सागर नाम है, ठीक है, इसी चैनल को आप सर्च कर सकते हो YouTube पर और सब्सक्राइब करना जरूर से। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आप करना लाइक, आप करना शेयर,
आप करना सब्सक्राइब, हम तीनों सब्सक्राइब करेंगे। ओके ओके ओके। और आप मुझे बताइए कि आपको मेट्रो के बारे में फिलहाल सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? बेस्ट चीज इसमें ये है, इसमें कोई टीसी नहीं आता है और हम जैसे लोगों को भी टीसी नहीं आया, कोई अच्छा है कोई जरा नहीं, हम तो नहीं होने वाला। लेकिन आपने नीचे तो ऑलरेडी टिकट ले लिया, उसका क्या? ठीक है ले लिया है, लेकिन अभी हमारे पास तो कोई आएगा नहीं सोचने के लिए, पैसा वसूल कर ही जाए। हां एसी भी है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। अच्छा भी हां है ना, नीचे नीचे टॉयलेट भी। हाँ तो मतलब जैसे कि आप जान सकते हैं भाई कि भाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सुथरा एक स्टेशन बनाया है और बहुत अच्छा स्टेशन, बहुत ही अच्छा है, सच्ची बहुत ही अच्छा है। आज जो विरार चर्च के जो ट्रेन में सब लोग जो धक्के खा के जा रहे हैं तो उसमें तो टिकट भी नहीं निकल, हाँ उससे अच्छा तो इसमें बहुत ही जो नीचे ट्रैफिक पड़ता है। हाँ हाँ ये बहुत सही पॉइंट आप कह रहे हो कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन होता ही है। हाँ लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक ना के बराबर है, मतलब स्मूथली सारी गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं इससे। और क्या है कि फ्यूल जो बचता है उससे एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आप जिस इलेक्ट्रिसिटी से और मेट्रो में ट्रैवल करते हो वो काफ़ी कम यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, 17,000 हो गया। तो हमारे जो तीन दोस्त है उनका स्टेशन आ चुका है, बाय बाय बाय, पोईसर स्टेशन पे लोग उतरने वाले है, बाय ये कौन सा स्टेशन है? ये आपका पोईसर है जो कि आपका मुंबई में ईस्ट पार्ट में आता है। देखिए कितनी तेजी से ट्रेन जो है वो जा रही है, ना कोई ट्रैफिक की टेंशन, ना पोल्यूशन, ना आवाज़, ना धूल, ना मिट्टी, ना गर्मी भाई, मतलब मेट्रो जो है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड इन मुंबई, काफ़ी 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 बढ़िया। और जैसे कि आप अगर देख पा रहे कोने में यहाँ पे जो है मेट्रो स्टेशन अपने को दूसरा वाला दिख रहा है, यानी कि काफ़ी कम डिस्टेंसेज में जो है मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है ताकि मुंबई कर जितने भी है शांति से प्रवास कर पाए। और ये देखिए समता नगर पुलिस स्टेशन भी आ चुका है और ये आकुरली मेट्रो स्टेशन पर हमारा जो है आगमन हो रहा है। ये जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए जो आप देख पा रहे हो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस मेट्रो स्टेशन के नीचे बिल्कुल पड़ता है, ये है आपका आकुरली। तो तकरीबन अगर हम देखने जाए तो डेढ़ मिनट मर हर एक डेढ़ मिनट के बाद एक स्टेशन है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये देखिए हमारे जो काफ़ी सिक्योरिटी के लिए जो डॉग्स भी रखे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए स्टेशन पर तैनात रहते हैं, और कभी कभी अगर हमारा लक अच्छा हो तो हमारे साथ मेट्रो में भी ये डॉग्स सफ़र करते हैं। काफ़ी क्यूट दिखते हैं, लेकिन जितने क्यूट उतने ही अलर्ट भी होते हैं ये डॉग्स, और काफ़ी 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 हमारी सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड भी होते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि गर्मी की सीजन में इसके अंदर जो फुल एसी है, हाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। ओके सेंट्रली एसी है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। ओके ये देखिए जो है
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मुंबई की पहचान है कि भाई मतलब बड़े बड़े टावर्स हैं, काफ़ी पॉश लोकेलिटीज़ है, लेकिन यहाँ के जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उतना ही मुंबई वालों का जो दिल है उतना ही बड़ा है। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, मतलब भाई वाह, मज़ा आ जाता है ये सब देख के। तो थंबनेल में अगर हम लोग चाहे तो इस इमेज को थंबनेल बना सकते हैं। और जो बहुत ही एक फेमस मॉल है जो गोरेगांव में, ओबेरॉय मॉल, ये देखिए जो आप अगर आप देख पा रहे हो तो इस पॉइंट पे ये वाला जो मॉल है ये गोरेगांव का फेमस ओबेरॉय मॉल है। और ये देखिए हमारा प्यारा सा इंडियन फ्लैग जो है वो भी आप देख पा रहे होंगे, बड़ी शान से हमारा जो तिरंगा है वो लहरा रहा है। ये देखिए वाह क्या नज़ारा है ये। ये देखिए कितनी शान से लहरा रहा है भाई, मुंबई की तो भाई बात ही अलग है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ये वाली जो अगर आप देख पा रहे हैं ये वेस्टिन होटल है, काफ़ी चमकदार, काफ़ी पॉश, काफ़ी लैविश। और ये जो है अब आएंगे, ये अपनी आर स्टेशन है, यहाँ से जो फिल्म सिटी है बहुत ही नज़दीक है। फिल्म सिटी जो मुंबई की शान है, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो है फिल्म सिटी में होते हैं। ये देखिए जो आर स्टेशन है वो आ चुका है। आर ए और एक चीज़ के लिए फेमस है, आर ए डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसकी जो फैक्ट्री है वो भी यहीं पर है। ये देखिए जो आर ए स्टेशन है वो आ चुका है। और ये देखिए ट्रेन के सामने एक दूसरी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन दिख रही है, जो हम जहाँ से आए दहीसर वहाँ पर वापस जाएगी ये दूसरी ट्रेन। देखिए जो सामने आप देख पा रहे हो वो वाली ट्रेन जो है। और ये अब हम लोग हमारे स्टेशन के लिए जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी है एक स्टेशन पे। ये कौन सा स्टेशन है? आर ए स्टेशन। तो बिकू भाई मुझे लगता है आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और शायद आपको पता नहीं है लेकिन इस मस्ती में आप भूल मत जाना आपका स्टेशन आ रहा है गोरेगांव। ऐसा है क्या? हाँ, वरना पता चला आप इस ठंडी में मज़े ले रहे हो मेट्रो के और एकदम मस्त नींद आ जाएगी आपको और आप अपना स्टेशन मिस कर जाओगे। ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है भाई गोरेगांव का। ये देखिए यार कॉलोनी है ना? हाँ, ये पूरा जो है फिल्म सिटी यार कॉलोनी। यस, बेहतरीन नज़ारा, मुंबई की ट्रैफिक को चीर के निकलती हुई मुंबई की मेट्रो। गोरेगांव आ गए अभी। यस, गोरेगांव का सबसे फेमस पेट्रोल पंप। ये देखिए कितना नेचुरल नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया। और ये देखिए हमारे जैसे जो व्लॉगर्स है उनके लिए यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है, साथ ही साथ अगर किसी को बाईसाइकिल जो है वो स्टोर करनी है, क्योंकि आजकल सब लोग बाईसाइकिल बहुत यूज़ करते हैं, तो देखिए बाईसाइकिल स्टोर करने के लिए अलग से स्टैंड भी दिया हुआ है। लेकिन मेट्रो में आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने पेट को लेकर नहीं आ सकते यहाँ पे, अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है तो फिलहाल के लिए मेट्रो में आप नहीं लेकर आ सकते, शायद फ्यूचर में रूल्स बदल जाए तो पता नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया फ्लाईओवर है, ये हमारा स्टेशन आ रहा है गोरेगांव ईस्ट का। तो बिकू भाई
आपका स्टेशन आ चुका है। हाँ, अभी हमारा फाइनल स्टेशन गोरेगांव आ गया है। यस, अब हम लोग गोरेगांव से वापस दहिसर का जो व्लॉग है वो शूट करेंगे। और हम लोग अभी जो है ट्रेन से बाहर आए हैं, लेकिन हम लोग ने पॉज किया था वीडियो क्योंकि ट्रेन में से उतरते वक्त थोड़ा ध्यान देके उतरना चाहिए इसके लिए। और ट्रेन को हम लोग अब अलविदा बोलेंगे, बाय बाय मेट्रो बाय। ये देखिए कितनी गति से, कितनी तेज़ी से ट्रेन आगे बढ़ते हुए मुंबई के ट्रैफिक को चीरते हुए। अब जो है प्लेटफॉर्म पर हम लोग उतरे हैं, ठीक है, तो वापस लिफ्ट में बैठकर हमको नीचे जाना है। तो अभी ये जो है प्लेटफॉर्म लेवल है, यहाँ से उतर के हम लोग वापस कॉन्कोर्स पर जाएंगे। कॉन्कोर्स यानी कि जहाँ से टिकट वेंडिंग होती है वो वाला लेवल। तो ये सेकंड फ्लोर है और हम लोग जाएंगे अब फर्स्ट फ्लोर पे। ये कॉन्कोर्स लेवल जो है चमाकक्ष फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी हम लोग गोरेगांव स्टेशन पर उतरे हैं, वहाँ से हम लोग पहले एग्ज़िट लेंगे। तो वापस जो टिकट हम लोग ने दहिसर से गोरेगांव आने के लिए यूज़ करी थी उसी टिकट को यूज़ करके हमें एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट पॉइंट पर टिकट को स्वाइप करना है। एक टिकट मुझे दे दीजिए वरना मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा। ये स्वाइप हो चुकी है, अब मेरी बारी है। तो ये टिकट जो है मैंने मेरी स्वाइप कर ली है और मैं भी अभी निकल रहा हूँ। तो ये एग्ज़िट तो हम लोग ले चुके हैं, अब एक बार यहाँ का नज़ारा देख लेते हैं, उसके बाद वापस हम लोग दहिसर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो बिकू भाई क्या बोलते हो, यहाँ से उतर कर कहीं जाना है कि फिर वापस घर पे? नहीं, एक बार तो हम वापस मेट्रो में बैठ जाएंगे। ओके, और गोरेगांव से वापस दहिसर तक जाएंगे और देखते जाएंगे दहिसर और गोरेगांव के बीच में कौन से अच्छे नज़ारे हैं। अच्छा, चेक कर लेंगे। करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है लोढ़ा की बिल्डिंग, जो हमारे माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी है, बिल्डर है बहुत बड़े, उनके ग्रुप ने इस बिल्डिंग को डेवलप किया है। हम लोग फिलहाल जो है गोरेगांव में खड़े, अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो हम लोग विरार के साइड जाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग ईस्ट में है। अगर हम उस तरफ जाते तो वो चर्च गेट के साइड हम लोग जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से हाईवे टू हाईवे मेट्रो को जो है बनाया है, और इस तरह से बनाया है कि जो हाईवे पे ट्रैफिक है वो कम हो जाए और मेट्रो भी जो है वो एलिवेटेड है, यानी कि ऊपर के लेवल पे है, तो ट्रैफिक को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेट्रो के होने से। तो बिकू भाई एक बात बताइए, अब जो ये टिकट है हमारी दहिसर से गोरेगांव तक आने वाली, वो टिकट तो अब कुछ काम की नहीं, तो इसका क्या करना चाहिए हमको? ये टिकट हमारी यूज़ हो गई है, अभी यूज़ हुई टिकट हम नीचे फेंक देंगे तो ये सब कचरा होगा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब मोदी जी ने बोला है कि कचरा रोड पे मत डालो, उसको कचरा पेटी में डालो। इसके लिए मैं ये जो टिकट यूज़ किया है उसको मैं इस डब्बे में डाल रहा हूँ, जो वेस्टेज टिकट है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, अभी यूज़ हुआ टिकट मैं इसमें फेंक रहा हूँ। और ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि प्लीज़ ड्रॉप यूज पेपर टिकट्स हियर, कृपया वापर ले ली कागजी टिकटें, ये थे टाका। तो ये टिकट जो है इसको ज़रूर से ये लोग रिसाइकल करते होंगे, और काफ़ी अच्छा स्टेप ये भी लिया गया है पेपर की बचत करने के लिए और पर्यावरण को नुकसान ना हो उसका ध्यान रखने के लिए। तो अभी स्कैन कर लीजिए। हाँ, वैसे नहीं, पीछे आ जाइए पहले लाइन के, थोड़ा पीछे आना, येलो लाइन जो है यहाँ पे नीचे उसके पीछे। अब स्कैन करना है, गेट खुल चुका है आपका, ठीक उसी तरह मैं भी स्कैन कर लेता हूँ मेरी टिकट को। ये देखिए गेट खुल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ध्यान रखना है कि रेखा को पार नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ पर खड़ा रहेगा, इसको स्कैन करना है टिकट। तो बढ़िया है, आपने एक उदाहरण दिया है हमारे जो व्यूवर्स है उनको कि किस तरह से मेट्रो को यूज़ करना है। सही बात है, ऊपर चढ़वा मैम।
अरे सर वहाँ पर नहीं जाना है आपको, वो तो आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ से आप आए थे, अब आपको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कितनी बेहतरीन सुविधा है, यहाँ पर जो है ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन भी इतना साफ़ सुथरा स्वच्छ दिया गया है, है? और ये जो बॉटल फिलिंग मशीन है वो भी दी गई है यहाँ पे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना आपको, कोई टच नहीं करना वहाँ पर, डायरेक्टली वहाँ पर रखना है और बॉटल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी आपकी। ये देखिए वॉशरूम भी दिए गए हैं, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधा के लिए और स्टेशन को साफ रखने के लिए जो है वॉशरूम भी दिया गया, यानी कि इसको आप बोलेंगे प्रसादन गृह, जेंट्स टॉयलेट, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन मेंटेन किया है, साफ़ सुथरा स्टेशन, बढ़िया एकदम। यहाँ पर जो है लेडीज़ टॉयलेट है, और जो हमारे दिव्यांग मित्र है उनके लिए भी वहाँ पर टॉयलेट दिया गया है, और ये बाजू जो है जेंट्स टॉयलेट है। तो काफ़ी ध्यान रखा गया है साफ सफाई का, और मेट्रो स्टेशन पे कितना साफ है, पूरा एकदम क्लीन स्टेशन है जी। और जो गोरेगांव तक की जो सवारी है दहिसर से गोरेगांव, वो तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की होती है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लिए गए हमसे गोरेगांव तक, दहिसर से गोरेगांव तक। तो काफ़ी पैसों की भी बचत जो है वो लोगों की हो जाती है। ये जो आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका बढ़ा देता हूँ, नेस्को सेंटर यानी कि जो एग्जीबिशन सेंटर है फेमस गोरेगांव का, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, ये देखिए। तो भाई मतलब गजब चीज़ है ये। और ये देखिए जो मैं डॉग्स की बात कर रहा था, हमारी सेफ्टी के लिए जिनको रखा गया है, तो यहाँ पर डॉग्स भी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, ये देखिए हमारी सेफ्टी के लिए। अब देखिए एक और चीज़ जो बहुत ही बढ़िया दी गई है यहाँ पे, वो ये है कि एस्केलेटर जो है वो आपके सिर्फ तब स्टार्ट होंगे जब कोई पैसेंजर वहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये एग्ज़िट वाला एस्केलेटर है, इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम अब जाने वाले एस्केलेटर की बात करेंगे। ये गलत वाला है सर, ये बाजू नहीं, वो बाजू का एस्केलेटर होगा आपका। यहाँ पर जो एक्स मार्क दिया है, इसका मतलब कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते आप। हम लोग वापस जा रहे हैं जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे गोरेगांव से दहिसर तक जाने के लिए। देखिए लिफ्ट कितनी बड़ी है, लिफ्ट ऊपर जाती है, प्लेटफॉर्म फला। और ये देखिए हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी दिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी अनवांटेड इंसिडेंट हो, जैसे कि कुछ आग वगैरह लग जाए, तो तुरंत इसको यूज़ करके उस आग को बुझाया जा सकता है। और ये देखिए बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग जो है आपको स्टेशन पर देखने मिलेगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्टेशन मेंटेन किया गया है। बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक में हम लोग फंसते नहीं है, अगर कार लेके भी जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाते थे। यस, आज एसी में बैठ के मेट्रो स्टेशन में हम मजा ले रहे हैं। स्टेशन भी पूरा साफ सुथरा है, पूरा खाली स्टेशन है, और अंधेरी से मुझे लगता है मैक्सिमम 20 मिनट में दहिसर पहुँच जाएंगे। 35 मिनट लगते हैं वैसे अंधेरी से दहिसर आने में, पर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी गई है। और ये जो है यहाँ पे इंडिकेटर पे दिखा रहे हैं कि अंधेरी पश्चिम, यानी कि जो है 4 मिनट में गाड़ी आएगी। अब ये कैसे बनाया है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ एकदम सिंपल शॉर्ट में। तो देखिए कि अगर अंधेरी वेस्ट जो है वहाँ से अंधेरी ईस्ट जाने के लिए मुंबई मेट्रो बनाई है, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ। अंधेरी से यू बनाया गया है, अंधेरी वेस्ट से पूरा यू बनाया गया है, और वो अंधेरी ईस्ट को कनेक्ट करता है। अब ये यू कहाँ कहाँ से जाता है, तो अंधेरी वेस्ट से होकर गोरेगांव वेस्ट, फिर आपका जो कांदिवली वेस्ट, बोरीवली वेस्ट, दहिसर वेस्ट, फिर वहाँ से दहिसर ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, वापस आपका जो अंधेरी ईस्ट, मतलब बीच में बहुत सारे स्टेशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे एक यू बनाया गया है, यू, ठीक है।
तो काफ़ी मतलब सोच समझ कर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है और बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है मुंबई के हर मुंबईकर के लिए बहुत ही बढ़िया ये जो प्रोजेक्ट है। और आई थिंक सो कि ROI जो है इसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा मेट्रो का, ये जो है बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी। ये मानने में आ रहा है कि रोज़ के 13 से 14 लाख पैसेंजर जो है वो अगले आने वाले 5 साल में मेट्रो की सुविधाएं यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो तब इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आई है, तो ये अंधेरी ईस्ट जाएगी, जो जिस गाड़ी में अभी हम लोग बैठ कर आए थे दहिसर से अंधेरी, ये सेम उसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जा रही है, पैसेंजर लेके जाएगी यहाँ से। इनफैक्ट ये देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब भाई पैसेंजर्स के लिए तो भाई वाह भाई मज़ा आ गया। देखिए स्टार्ट हो गई गाड़ी, ये जो है ओनली लेडीज डिब्बा है जो लास्ट में दिया गया है। वाह। और अब जो है हमारी ट्रेन आ रही है, यहाँ से आएगी हमारी ट्रेन और मैं जो है आपको बहुत प्रयास कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि भाई कैसे इस ब्राइटनेस में से आपको मैं दिखा पाऊँ जो ट्रेन है वो आते हुए। आशा करता हूँ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जो ट्रेन है वो आ चुकी है और इस ट्रेन में बैठकर हम लोग अभी जाएंगे वापस गोरेगांव ईस्ट से लेकर दहिसर ईस्ट तक। जो पहला कोच है वो ओनली फॉर लेडीज़ है और हम लोग इस कोच में बैठने वाले हैं। थोड़ी सी मुझे भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर, शायद बैठने का मौका ना मिले, बट कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइटिंग है वो आपका वीडियो अच्छे से एकदम बन पाए उसी के लिए ये लाइटिंग को लगाया गया है, पैसा वसूल। आज तक तो मैं विरार की ट्रेन में लटक लटक के जा रहा था, फर्स्ट टाइम मैं एसी में बैठ के जा रहा हूँ मेट्रो में, बहुत लटक लिया। देखो भाई जो मुंबई का ट्रैफिक है उससे बचने के लिए चुपचाप मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए, पैसे बचाओ, टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, क्या बोलते हैं, टाइम मनी एनर्जी सेव करो अपनी, और उतना जो आपका पैसा वैसा जो भी बच रहा है कार्निवल सिनेमाज में जाकर मूवी देखो वीकेंड्स पे और मज़े करो। अच्छा मैंने कार्निवल का क्यों नाम लिया, क्योंकि कार्निवल सिनेमाज जो है वो इसी एरिया में है, ये पीछे जो ओबेरॉय मॉल गए हैं उसके वहाँ पर। और ये जो है फेमस ग्रोवेल्स 101 मॉल है, यहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स है, आप मूवीज़ वगैरह भी देख पाओगे यहाँ पे। और ये जो है ये ग्रोवेल्स का पार्किंग आ गया आपका, कितनी सारी गाड़ी है, बाइक्स है, देखिए मतलब काफ़ी बढ़िया मॉल है ग्रोवेल्स भी जो है, वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ आना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी है, मूवीज़ है, मैकडोनल्ड्स है, खाने पीने की मज़े है, यहाँ पर KFC भी है। और ये जो है हम लोग वापस अपने घर जाने के लिए दहिसर ईस्ट स्टेशन तक पहुंच रहे हैं,
अब जो स्टेशन आएगा वो आएगा दहिसर ईस्ट। और ये देखिए हम जिस गाड़ी में आए वो गाड़ी अब जा रही है वापस अंधेरी वेस्ट। तो हम लोग जो है दहिसर आ चुके हैं और ये देखिए अभी तो गाड़ी गई है और ये अंधेरी वेस्ट के लिए दूसरी ट्रेन अब 12 मिनट में आ जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, दहिसर ईस्ट स्टेशन आ चुका है। और ये देखिए कहीं पे भी आपको है ना चलना नहीं है, ये देखिए एस्केलेटर है और जो है आप आराम से एस्केलेटर पर सवार होकर नीचे जा सकते हो। तो आपको कहीं पर चलना नहीं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और हमारे जो दिव्यांग मित्र है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है लिफ्ट की, तो मतलब बहुत ही बढ़िया स्टेशन है सारे मेट्रो के। और ये देखिए कितनी शांति से हम लोग जो है हमारा सफ़र कर सकते हैं। देखिए कचरा नहीं करना है, कचरा भी कचरा के डिब्बे में फेंक दो। तो देखिए प्लेटफॉर्म से निकल कर जो है जहाँ से टिकट मिलती है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से अब हम लोग वापस जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, उसके लिए भी अलग से लिफ्ट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर सारे यात्री जो है लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और हम लोग अभी जाएंगे लिफ्ट से नीचे।